1978 में 11 मई को रेणुका जी से उनकी शादी हो गई। कुछ दिन बाद जब उनको संतान हुई तो एक के बाद एक तीनों संतान गुजर गए। तब महाराज जी ने ये बात श्री संत लहरी बाबा को बता दी। तब श्री संत लहरी बाबा ने उन्हें मकान बदलने की सलाह दी, लेकिन तब उस गांव में कोई भी व्यक्ति उन्हें मकान देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में श्री बाबूराव जी गायधनी गुरु जी उन्होंने अपने घर में रहने की जगह दी और वहां से फिर से महाराज जी ने अपना सत्संग वहीं शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उन्हें दो संतान हुई, एक का नाम विजय और एक का नाम कन्हैया। इस तरह अपने छोटे से परिवार के साथ आनंद और प्यार से वो रहने लगे। तब लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया था। तब उनकी मुलाकात तुमसर शहर के प्रेमलाल जी चिंधालोरे इनके साथ हो गई और उन्होंने स्कूल के सामने छोटा सा आश्रम बना दिया। दिन ब दिन उनके सत्संग के माध्यम से हजारों लोग जुड़ते चले गए। श्रद्धा और विश्वास के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा अनेक राज्यों से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। नागपुर के कुछ दानशूर और परम पूज्य राष्ट्र संत तुकड़जी महाराज के आशीर्वाद से देखते ही देखते उस जगह का भव्य आश्रम, ध्यान रूम, यज्ञशाला, भोजन गृह और सत्संग हॉल बन गया। धीरे धीरे लोगों की तादाद और उनके भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ विस्तार करना अभी अनिवार्य हो गया है। नानाजी महाराज हर दिन श्री राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज की नियमित सामुदायिक प्रार्थना ध्यान करने से लोगों का कल्याण होगा ऐसा मानते हैं। ये उनका मानना भी है और ये उनका जानना भी है। कुछ तांत्रिक असुविधाएं दूर करने के लिए श्री गुरुदेव धाम मानव कल्याण सेवा में ट्रस्ट निर्माण किया गया। नानाजी महाराज के विचारों का प्रचार और प्रसार करने हेतु हर वर्ष रोग निदान शिविर, रक्तदान शिविर, राष्ट्रीय कीर्तन एवं सामूहिक विवाह समारंभ पिछले 42 सालों से आयोजित किया जाता है, जहां हजारों लाखों गरीब परिवार इसका लाभ उठाते हैं। आज तक 500 से भी ज्यादा शादियां सर्व धर्म और जाति पंथ की लगाई गई। ये पुण्य का काम उन्हीं के हाथ होता है जो ईश्वर के नेक बंदे होते हैं। महाराज जी की एक खूबसूरत सोच है कि इस संस्थान में स्कूल, कॉलेज, वाचनालय, गौशाला और समाज सेवा हेतु एम्बुलेंस, स्वर्ग रथ लेने के विचार में है, ताकि यहाँ आने वाला हर एक भक्त शिरडी, शेगांव, पंढरपुर जैसे पवित्र स्थानों का आनंद ले सके। आज इसी पावन भूमि पर कई नामवंत मंत्री, राजनेता, अभिनेता, आमदार, खासदार, सभी पंथ और धर्म के लोग पूरी श्रद्धा एवं पूरे विश्वास के साथ अपना सर झुकाते हैं। सती अनुसया माता, संत श्री लहरी बाबा, काड़े महाराज, सातारकर महाराज, सत्यपाल महाराज, इन महात्माओं का दर्शन और इनके वाणी का यहाँ लाभ मिलता है। हर वर्ष महायज्ञ के माध्यम से यहाँ का वातावरण आश्चर्यकारक, मनमोहक और सदा प्रसन्नमय रहता है। इस पावन भूमि पर आने से एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। नानाजी महाराज के लिए कहते हैं कि इस पावन भूमि में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। गुरु मिलना ये भाग्य की बात है, लेकिन नानाजी महाराज जैसे सदगुरु मिलना ये सौभाग्य की बात है। जय गुरु।
Mm-hmm.